बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग में मैं एमन हारून आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक इंतहाई मज़ेदार सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं और वो सब्जेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, जो कि माँ बच्चे की सेहत में मज़ीद बेहतरी का जामिन बन सकता है और किस तरह से हम माँ और बच्चे की सेहत को जब मुश्तरका तौर पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ काम करें तो किस तरह से और मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग एक प्राइवेट अदारा है जो कि पिछली 3 दहाइयों से माँ और बच्चे की सेहत पर काम कर रहा है। हम जच्ची और इस्पात हमल के बाद की देखभाल पर काम करते हैं। रिसेंटली ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग ने अपनी मिशन स्टेटमेंट में तौसी की है और अब हम फैमिली हेल्थ सोल्यूशंस की जानब जा चुके हैं। यानी फैमिली प्लानिंग तो हमारा नीश था ही, मगर हम अब फैमिली हेल्थ सॉल्यूशंस और सेल्फ केयर के बारे में बात करते हैं, जिसमें हर माँ, हर औरत, हर लड़की को अपने जिस्म, अपनी सेहत के बारे में पता हो और उसे ये मालूम हो कि मेरी सेहत मेरी अपनी जिम्मेदारी है। सेहत के मैदान में कुछ ख्वातीन ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और उनमें आज हमारे साथ हमारी एक मेहमान मौजूद हैं जिनका जितना ज़्यादा जिक्र किया जाए इस हवाले से उतना कम है। मैं बात कर रही हूँ हमारी मेहमान मेहताब अकबर राशदी की, जो कि ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के साथ काफ़ी अरसे से काम भी करती चली आ रही हैं। एक पॉलिटिशियन भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं, ख्वातीन की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, कई फ्रंट्स पर नज़र आती हैं इसके बारे में बात करते हुए। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना मेहताब अकबर राशदी के साथ बात की जाए, क्योंकि ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग की फैमिली का वो हिस्सा तो हैं ही, मगर वो ज़ाती तौर पर भी ख्वातीन की सेहत पर बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। तो आज आपसे मुलाकात करवाते हैं मेहताब अकबर राशदी के साथ। मेहताब साहिबा, आप काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट के साथ काम करती चली आ रही हैं, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है ख़वातीन की सेहत के हवाले से, ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से आपने बहुत काम किया है, एम्पावरमेंट पर आप बहुत काम करती हैं, काफ़ी मुतहर्रिक भी हैं और ख़वातीन को भी आपने हमेशा ये ताकीद की, फ़रोग दिया कि वो हमेशा अपनी आवाज़ खुद उठाएँ क्योंकि उनके हकूक़ उन्हें पता होने चाहिए। मगर उसके साथ साथ मेरा जो आपसे सवाल है और ग्रीन स्टार के साथ जो लोग मुंसलिक हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि इतना काम करने के बावजूद भी ख़वातीन की आवाज़ अभी भी उस बुलंदी से सुनी नहीं जाती जो वो डिज़र्व करती हैं। मज़ीद आपको क्या लगता है कि और क्या बेहतरी की गुंजाइश है, क्या औरत को ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें आप एज एन एक्टिविस्ट क्या और मज़ीद बेहतरी कर सकती हैं और लोगों को ख़ुद भी क्या करना चाहिए, क्या रोल प्ले करें हम? देखिए, हमने तो जब काम किया पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें बहुत अहम थी उस ज़माने में। एक तो मेरे वालिद और फिर उसके बाद वालदा, यानी वालदैन, आपका घर, आपका माहौल, वो बहुत एक किरदार अदा करता है आपके आगे बढ़ने में और औरत के सिलसिले में जो आप बात कर रही हैं। मैं शायद इतनी वोकल नहीं होती, मैं शायद इतना रोल नहीं प्ले करती अगर मेरे घर का माहौल मुझे नहीं मिलता। मेरे वालिद साहब ने जब अपनी लड़कियों को तालीम दिलाना शुरू की तो छोटे से गांव से वो निकले थे और कोई सोच नहीं सकता था कि लड़की क्यों पढ़े। और मेरी बड़ी बहन, मैं तो चौथे नंबर पे थी, मेरी बड़ी बहन को जब उन्होंने स्कूल भेजा तो वो लड़कियों का स्कूल नहीं था, अलग लड़कों के साथ पढ़ने गई। तो एक जल्जला आया होगा घर में और गांव में और आसपास, बट ही हिमसेल्फ वाज अ टीचर, सो ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। तो उन्होंने तो परवाही नहीं की किसी की कि कोई क्या कहता है। तो सबसे पहली बात तो ये जो मैं लोगों से कहना चाहूँगी, अपने लिए जीना सीखें, खुदा के वास्ते अपने लिए जीना सीखें। आप लोगों को खुश ना करें, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, तो कौन होगा, वो नाराज़ हो जाएंगे, कोई नाराज़ नहीं होता। आप यकीन करें, जो पहला कदम उठता है तो दूसरे उसको फॉलो करते हैं। और ये चीज़ हम अपने गांव में देखी, मेरे अब्बा ने हम 4 बच्चियों को पढ़ाया, उसके बाद सारे लोग पलट पलट के उनके पास आए हमारी बच्चियों के लिए, कह कह दें आप ये कर दीजिए, एडमिशन लेना है, नौकरी लेनी है। तो ये पहला कदम जो है मुश्किल लगता है, लेकिन आप उठा लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि औरत की ताज़ीम करो, उसको इंसान समझो, और उसके बाद उसकी मर्जी, उसकी मर्जी का मतलब ये है कि सबसे पहले तो शादी करने आप जा रहे हैं तो उसकी मर्जी ज़रूर मालूम करें। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपका इस्लाम कह रहा है, आपका दीन कह रहा है, आप औरत को उसकी मर्जी के बगैर शादी नहीं करवा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बीवी फातिमा की, जो उनकी इतनी प्यारी बेटी थी, जब हज़रत अली से, जो उनको बहुत अजीज़ थे, जब शादी का सोचा
तो उनको पता था कि हज़रत अली से रिश्ता जुड़ रहा है, लेकिन फिर वो गए हैं बीबी फातिमा के पास और उसको कहा कि फातिमा मुझे आपको तुम्हें पता है कि हज़रत ये अली मुझे कितना अजीज़ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ये हक देता हूँ कि तुम अपनी राय का इजहार करो। तो हम लोग क्या रसूलुल्लाह से बढ़कर हैं जो अपनी बच्ची को ये हक भी ना देंगे कि वो अपनी राय का इजहार करें? तो यूँ आपको माशरे में जितनी पेचीदगियाँ नज़र आती हैं या ज़्यादतियाँ होती नज़र आती हैं वो घर से शुरू होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि तालीम होनी चाहिए, मज़हबी तालीमात का आपको पता होना चाहिए कि आपके मज़हब ने औरत को कितने हुकूक़ दिए हैं। हज़रत बीबी आयशा के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मैं इसलिए ये मिसालें दे रही हूँ कि लोग समझते हैं कि हमारा मज़हब कोई बहुत ऐसी तंग करने वाली चीज़ है। रसूलुल्लाह जब आप मदीने से बाहर या मक्का से बाहर तशरीफ़ ले जाते थे तो असहाब को ये कहा हुआ था कि अगर मैं नहीं हूँ और आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है तो आयशा के पास जाओ। यानी इतनी बड़ी बात कह देना कोई मजाक नहीं है। यानी उनको खुद इतना मज़हबी तालीमात का और वही और कुरान और उसका पता था कि उन्होंने कहा कि इनके पास चले जाया करो। तो जब रसूलुल्लाह ने इतनी अहमियत दी और कुरान ने यह कह दिया और ये उन्होंने रसूल ने कह दिया कि माँ के पैरों तले जन्नत है, तो उसके बाद किस चीज़ की गुंजाइश रह जाती है? बाकी तालीम सबका हक है और हदीस है रसूलुल्लाह की कि तालीम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। यानी मक्का मदीना का आप फासला देखें, यानी इतनी दूर भी जाना पड़े और चीनी कोई मुसलमान तो नहीं थे ना, दूसरे मजहब के लोग थे, उनसे भी तालीम हासिल करो, कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि आपका जहन खुलता है, आप दूसरे रास्ते तलाश करते हैं, आप साइंस सीखते हैं। कितने बड़े बड़े आपके जो लोग गुजरे हैं जो जिन्होंने साइंस की तालीम मुसलमानों ने ही देनी शुरू की, हम भूल गए, बाकियों ने अपना लिया। तो जब हम औरत की बात करते हैं तो घर से, घर के माहौल से उसको इज्जत मिलती है, ताज़ीम मिलती है, अहमियत मिलती है। अगर आप उसको भूल जाओगे तो आपका माशरा तगर गुह होकर रह जाएगा, एक इंतशार सा फैलेगा। औरत को आप इंसान समझें। और फिर जब आप इस पर आते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है और मैंने किस तरह से ये किया है, तो हम एक बैलेंस करते हैं अपनी ज़िंदगियों में। औरत अगर बाहर निकल के काम करती है तो उसको बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहरहाल उसके ऊपर है, बच्चों की जिम्मेदारी बहरहाल उसके ऊपर है। मैं सेक्रेटरी बनी हूँ, गवर्नमेंट की सबसे बड़ा ओहदा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसमें मैंने अगर ये देखा कि मेरा बच्चा जिस दिन बीमार है तो मैं नहीं जाती थी ऑफिस, क्योंकि मेरे बच्चे को उस वक्त मेरी ज़रूरत थी। एक दिन छुट्टी कर लेने से कोई कयामत नहीं आती। दुनिया के कारोबार चलते रहते हैं, आपका जो नेक्स्ट होता है ऑफिसर वो काम को संभाल लेता है। तो हम औरतें भी बाज़ औक़ात बहुत वो होते, नो, आई हैव टू गो। तो आई हैव टू गो फॉर व्हाट? यू आर लीविंग योर चिल्ड्रन बिहाइंड फॉर व्हाट? तो हमें भी बैलेंस करना पड़ेगा, औरत को भी ये चीज़ सीखना पड़ेगी और अपना एक तवाज़ुन कायम रखना पड़ेगा। जब हम ये तवाज़ुन कायम रखना सीख जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। घर के लोगों को, शौहर को ख़ास तौर पर औरत की अहमियत का एहसास होना चाहिए, उसकी इज्जत ज़रूर करें, मर्द इज्जत ज़रूर करें। जब वो इज्जत करेगा बाकी ख़ानदान वाले इज्जत करेंगे। अगर वो ही उसको कोई अहमियत नहीं देगा तो बाकी क्यों पूछेंगे? तो ये सबसे एक बुनियादी चीज़ है। मैं आप जो मुझसे पूछ रही हैं कि इतना काफ़ी है या कुछ और करने की ज़रूरत है, तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारे ज़माने में मुझे ऐसे लगता था कि हमारे वालदैन ज़्यादा लिबरल थे। ये लोगों को चीज़ बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन उस ज़माने के लोग ज़्यादा लिबरल थे, फॉरवर्ड लुकिंग थे। वो ज़माना वो था कि औरतों की तालीम की बात होती थी, लड़कियों का स्कूल जाना ऐब नहीं समझा जाता था और माँ बाप बहुत खुशी से उसको इजाज़त देते थे। मैं डिबेट के लिए जाती थी, मेरे अब्बा ने कभी एतराज़ नहीं किया। मैं ढाका गई, मैं लाहौर जा रहे हैं, हम क्वेटा जा रहे हैं, एक टीचर हमारे साथ चल रही है, दैट वॉज इनफ। उन्होंने ट्रस्ट किया टीचर्स पे, प्रिंसिपल हमारी जो है वो ये सोचनी थी कि बच्चियों को जाना चाहिए, तो इसलिए हमें ये सपोर्ट मिलती थी अपने टीचर्स से, अपने घर से। और उसके बाद रेडियो पे गई मेरी बड़ी बहन, मेरे अब्बा ने एतराज़ नहीं किया।
फिर मैं गई, कोई एतराज नहीं हुआ। मैं टेलीविजन पे गई, कोई एतराज नहीं किया। मेरी शादी हुई, मेरे मियाँ जो सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ही रिवायती घराना है उनका, तो मैं इस हर वक्त सोचती थी कोई हमने शरायत तो बात ही नहीं की थी, मोहब्बतों की शादी थी। तो हमने कहा अब मैं सुनो सोचती, आज कहेगा कल कहेगा नौकरी छोड़ दो, मैं पढ़ाती थी उस वक्त यूनिवर्सिटी में, नौकरी छोड़ दो ये कहेगा तो फिर मैं क्या बोलूँगी, छोड़ दूँगी तो क्या करूँ। फिर उनका अच्छा अच्छा देखा जाएगा। तो जब दो दिन रह गए छुट्टी खत्म होने में, तो मैंने कहा भाई तो फिर माइंड करवा दो क्या कहते। मैं कहा दो दिन के बाद मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, ठीक है फाइन फाइन ओके। फिर गांव में जब वो जाते थे तो घर की औरतों ने कहना शुरू किया, देखो बेटा अभी तो वो तुम्हारी चादर में आ गई है, अभी तो उसको रोको, रोज तुम्हारी तस्वीरें आती हैं, उसकी तस्वीरें आती हैं। तो उस पर फिर उन्होंने ये कहा कि अम्मा बात ये है, उनकी सगी माँ नहीं थी स्टेप मदर, तो उन्होंने कहा कि देखो बात यह है कि ये मुझसे शादी से पहले ही जानी पहचानी शख्सियत रही है, टेलीविजन पे आई है, बड़ी अफसर है, सिंधौला जी की डायरेक्टर है, पता नहीं किस किस की डायरेक्टर है, तो मैंने तो उसको नहीं बनाया, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरी शादी के बाद उसके साथ वो अगर कुछ आहिस्ता चल रही थी तो अब उसको तेज़ चलना चाहिए, मैं उसके साथ। तो जब घर का मर्द और आपका शोहर ये कहे अपने खानदान में कि पहले अगर वो आहिस्ता चल रही थी तो उसको तेज चलना चाहिए, मुझे नहीं पता था कि वो उनको क्या कहकर आए, लेकिन ही मेंट दैट। और पूरी जिंदगी कभी ये नहीं हुआ, मैंने इतना ट्रेवल किया है पूरी दुनिया में कि वो हर वक्त मेरे साथ चला हो। ही हैज बीन अ बिजी पर्सन हिमसेल्फ, ही वाज इंजीनियर, रिटायर्ड एज अ इन ग्रेड 21 और प्रोजेक्ट डायरेक्टर एशियन बैंक और फलां और फलां फलां, उसको खुद टाइम नहीं होता था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं कहा कि तुम अकेली कैसे जाओगी। तो ये जो एक ट्रस्ट होता है आपके रिलेशनशिप में मर्द और बीवी के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान, वो आपको बहुत आगे ले जाता है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ हिसाब से, हर औरत शायद इतनी ना हो, लेकिन ये आपकी एक बुनियादी चीज़ है जो आपके खानदान को, आपकी फैमिली को एक बहुत ही औरत के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, रिश्ते में कॉन्फिडेंस आता है, और मोहब्बत जो होती है मोहब्बत वो वाली नहीं होती है कि आप हर वक्त बोलो आई लव यू और रात को और दिन को मारम पीटम हो जाए, ये नहीं हो जाए, लेकिन वो आई लव यू जो है वो एक प्रैक्टिकल उसमें ढल जाता है और वो आपका उसके रवैये से झलकता है, वो आपको कितनी ताज़ीम देते हैं, वो कितनी इज्जत करते हैं, आपकी कितनी बात, आपके फैसला साजी में घर में जो फैसले होते हैं उसमें आपका कितना अमल दखल है। तो मेरे घर में मैं और मियाँ तो फैसले करते ही करते थे, अब हमारी बहुएं उसमें शरीक होती हैं, मेरे बच्चे मेरे बेटे उसमें शरीक होते हैं, तो घर फिर घर बनता है। तो ये चीज़ जो है जब आपको आगे लेके जाती है, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आते हो तो आप उसी एतमाद के साथ काम करते हो, फिर आपका अपने सब्जेक्ट पर की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको एक सेक्शन ऑफिसर या डिप्टी सेक्रेटरी ये न कहे मैडम आप शायद नहीं समझ रही हैं तो मैं आपको समझाऊँ। तो मैं ये करती थी कि जितने फाइल्स आते थे मैं लेके जाती थी, पूरी फाइल पढ़ती थी और डिसीशन मेकिंग मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन अगर मेरे एडिशनल सेक्रेटरी ने सिर्फ इनिशियल कर दिया और कमेंट कोई नहीं था तो मैं उसको फाइल वापस भेजती थी, आई वांट योर कमेंट, ये सही है गलत है लीगल है इलीगल है कानून क्या कहता है, वो नीचे से ऊपर आती है ना फाइल, तो मुझे आपका कमेंट चाहिए भाई तुम क्या कहते हो, इसने सेक्शन ऑफिसर ने सही लिखा है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अदब आदाब होते हैं ब्यूरोक्रेसी के वो सीखना और फैसला फाइनल मेरा। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ तजुर्बे ने मुझे बहुत सिखाई और फिर मैंने उसी उसके साथ बहुत कॉन्फिडेंट के साथ वो फैसले किए, जो क्योंकि सेक्रेटरी पूरे एक डिपार्टमेंट पूरे सूबे को देखता है, वो फैसला करने में फिर आसानी हो जाती है। लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि आज की जो औरत है वो बहुत मुश्किलों में है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई ओवर द ईयर्स, पॉलिटिकल डिसीशंस, पॉलिटिकल चेंजेस इन द गवर्नमेंट। ज़ियाउल हक वाला जो दौर था वो हमें उन्होंने मजहब के नाम पे
औरत की आज़ादी पर बड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए। फिर आपने देखा कि औरतों ने बाकायदा तहरीकें चलाई, हुदूद ऑर्डिनेंस पर सालों साल औरतों ने काम किया है, तकलीफ़ें देखी हैं, और हुदूद ऑर्डिनेंस उन्होंने हुदूद का नाम देके ये तासुर देने की कोशिश की कि इसका ताल्लुक कोई इस्लामी हुदूद से है, जो नहीं था। उसमें फिर ये हुआ कि हमें औरतों को उसके ऊपर बिल्कुल डट जाना पड़ा, और आगे चल के वो तमाम तो ताज़ीरें जो थीं, जो गलत थीं और औरतें के हकूक़ को सर्व कर रही थी, वो ख़त्म कर दी गई। आपको ये भी याद होगा कि आप तो बेहद पैदा नहीं होंगे, बच्ची होंगी या छोटी होंगी, कि एक अंधी बच्ची को जो आँखों से नहीं देख सकती थी, उसका रेप हुआ और लोग पकड़े भी गए। वो कोर्ट में गई, जब कोर्ट में गई तो पूछा जा रहा है कि पहचानो किसने ये बात की थी। और आपको पता है कि इस्लाम में ये है कि जब भी किसी पर कोई इल्ज़ाम होता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के सिलसिले में, तो चार गवाह होने चाहिए। ये आप कोई सोचता है कि ये क्यों चीज़ हुई है? मेरे नज़दीक उसकी वजह क्या है कि आप पर्दा रखो औरत का। वो कौन से चार गवाह होंगे जिनके सामने ये काम हो रहा होगा? तो अल्लाह आपको और किस तरह से बचा सकता है, किस तरह से औरत की जो इज्जत रखता है, ये हम लोग नहीं सोचते। लेकिन इसका जो फलसफा है वो ये है कि इज्जत रखो, हुआ है एक काम, ज्यादती हुई है, गवाह कहाँ से आए, इसलिए छोड़ो। अब उससे कहा जा रहा है बच्ची से कि बताओ, पहचानो। अब वो अंधी है, वो क्या पहचानेगी? उसको सजा मिली थी, उसको सजा मिली थी इस्लामी ममलकत में, इस्लामी ममलकत पाकिस्तान में उसको सजा मिली, जो मेरा ये ख्याल है कि इससे बढ़ के कोई अंधापन बाकी माशरे का नहीं हो सकता। तो ये मिसालें हमारे सामने थी, और इसी को लेके औरतें आगे बढ़ी हैं, और उन्होंने अपने हकूक लेने की कोशिश की, और वो ये वाली ताज़ीरें मनसूख कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक लंबा सफ़र है पाकिस्तानी औरत का, जो वो अपने हकूक के लिए लेती चली गई है, करती चली जा रही है। अब इसमें हमें माशरा काफ़ी बेदार हुआ है, बहुत सारी तंजीमें आ गई हैं, ख्वातीन की तंजीमें हैं जो प्रेशराइज भी करती हैं हुकूमत को, फिर आपकी असेंबली है, फिर आपकी सेनेट है, उसमें भी तमाम चीज़ें बात हो रही है। ख्वातीन की तादाद बढ़ गई है असेंबलियों में, वो अपनी बात करती हैं, फैसला साजी में उनको अब हिस्सा मिलने लगा है। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के एक तहरीक की सूरत और औरतों के हकूक़ के तहफ़ुज़ के लिए आगे बढ़ी हैं। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी बहुत सफ़र बाकी है, इसलिए कि जब तक आप तालीम आम नहीं करते, जब तक हर औरत और मर्द, औरतों की क्या बात करें, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे बेचारे भीख मांगते फिरते हैं, बच्चे गैराजेस में काम कर रहे हैं, इधर काम कर रहे हैं, उनकी उम्रें नहीं हैं, आपके पास छोटी उम्र के बच्चों के काम करने पर पाबंदी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ वेरी वीक। तो जब तक आप उन तमाम चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम का तलाक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज अनदर थिंग दैट वी हैव टू सी, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे औरतों के लिए हो, या भी इन मर्दों के लिए हो। वो लॉ का हमने, व्हाइल आई वाज इन असेंबली, तो छोटी उम्र की शादियों पर पाबंदी का कानून सिंध ने सबसे पहले किया। पहले 16 साल थी, अंग्रेज के ज़माने में अंग्रेज ने कानून नाफिज किया था, 16 साल से पहले शादी ना करो। हमने उसको 18 साल किया, हमने वो वाला कानून रिपील किया, और 18 साल की उम्र भी मैं तो समझती हूँ कम है, क्योंकि वो जो लड़का 18 साल वाला होगा, वो बेचारा किधर कमा रहा होगा, वो क्या करके और अपनी बीवी को पालेगा, फिर फौरन एक साल के बाद बच्चा तो आया ही आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये शऊर होना चाहिए, लड़की कम अज कम 18 साल, सो दैट हर बॉडी, उसका जिस्म उन चीजों के लिए तैयार हो। 18 साल की उम्र में या उससे पहले वाली, हमारी माँ, मेरी माँ के लिए मैंने सुना वो 13 साल की थी तो उनकी शादी हुई थी, मेरे अब्बा बड़े थे उनसे उम्र में, लेकिन उसको तो नहीं पता था कि वो किस अजाब से गुजर रहे या गुजरेगी। तो ये 13 साल की बच्ची जब जन्म देती है बच्चे को,
तो वो बहुत तकलीफ देखती है और उस तकलीफ से कभी गुजर के जिंदा रह जाती है, कभी जिंदा नहीं रहती। तो उसकी उस चीज का हमें एहतराम करना चाहिए और उसकी जो चेंजेस हैं बायोलॉजिकल, जो जिस्म चाहता है कि वो मजबूत हो एक दूसरी जिंदगी को जन्म देने के लिए, वो उसको मोहलत देनी चाहिए। तो वो 18 साल की उम्र की का हमने कानून बनवाया। अब ये होता है, हम सुनते हैं कि फला जगह शादी हो रही थी, बच्ची को किसी ने शिकायत कर दी, तो वो कोई भी एनीबॉडी कैन टेक द कॉग्निजेंस, कोई भी शिकायत कर सकता है, थाने में जा सकता है, बता सकता है। तो वो फिर उन्होंने पकड़ के ले आते हैं, फिर दूल्हा को भी जेल में डालते हैं, दूल्हा दुल्हन के माँ बाप को भी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज लोगों की समझ में शऊर आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि सफर अभी जारी है, मे बी 10-15 मे बी मोर ईयर्स, लेकिन एजुकेशन तालीम औरत के लिए बहुत ज़रूरी है और लड़कों के लिए भी। उनका दिमाग भी ख़राब होता है, वो समझते हैं कि वही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन घर तभी अच्छा होता है जब औरत और मर्द मिल के फैसला करें। बिल्कुल, आपने जिन ख़वातीन के मसाइल पर रोशनी डाली और जब हम इनके हवाले से मज़ीद बात करें तो ख़ासतौर से देही इलाकों का जहन में ख्याल आता है क्योंकि वहाँ पर सहूलियात अक्सर व बेशतर कम होती हैं, मैसर नहीं होती। आपके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह की इंटरवेंशन की जा सकती हैं, पॉलिसी मैटर्स किस तरह के इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, सरकार की जानिब से भी, सोशल सेक्टर की जानिब से भी, प्राइवेट सेक्टर की जानिब से भी, कि ख़वातीन की फलाह बहबूद को हम मज़ीद मुस्तहकम कर सकें। इतना अहम सवाल है ये कि देही इलाकों में हमारी क्या इंटरवेंशन है या हुकूमत की क्या है और हमें करना क्या चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में लेडी हेल्थ विजिटर्स को शुरू किया गया था और वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपके डॉक्टर्स की तादाद इतनी नहीं है कि वो इतनी बड़ी आबादी को कैटर कर सके, और फिर छोटे इलाकों में देही इलाकों में कौन डॉक्टर जाता है, अगर वहाँ का है वो भी मुश्किल से। हर आदमी उस जगह रहना चाहता है, ख़ासतौर पर डॉक्टर्स, जहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स हों, जहाँ बड़ी हॉस्पिटल्स हों। स्कूल्स इसलिए हों कि उनके बच्चों के लिए, तालीम के लिए ज़रूरी हैं। और कौन इतना होगा डॉक्टर जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार को छोड़ के एक छोटे से इलाके में जाके ये सर्विसेज दे, ये नहीं मुमकिन है। तो इसमें जो लेडी हेल्थ विजिटर का जो रोल था वो बहुत अहम है, उनको आप ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि दाइयाँ तो आपने सुना है ना कि हर मोहल्ले में गली में एक औरत होती है जो अनट्रेंड है, लेकिन वो जाके हेल्प करती है औरत की इस अजाब से, जब ये मुश्किल मरहला आता है और लेबर पेन्स शुरू होते हैं, तो शी इज़ द वन हु इज़ द ओनली होप फॉर अ वुमन। लेकिन अगर वही औरत, उसको आप ट्रेनिंग दे दें, आप उसको बुनियादी चीज़ें बता दें, वो औरत को ये भी बता दें कि बच्चा पैदा हो गया, उसको तुम अच्छी तरह से दूध ज़रूर खुद पिलाओ। हमने ये भी देखा कि एक ज़माना ऐसा आ गया कि जो देही इलाके की औरत थी वो इतनी मॉडर्न हो गई, उसने बच्चे अपना दूध छोड़ के बच्चे को बोतल में दूध पिलाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि इससे हम मॉडर्न हो जाते हैं। अब ये उसको नहीं मालूम था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। फिर वो औरत जो जिस बोतल में उसको दूध पिलाती थी उसके निपल सालों साल नहीं बदलते थे, वो एक निपल चलता रहता था, मक्खियाँ भिनकती रहती थी। मैंने अपने गाँव में जाके देखा औरतों को, छोटे बच्चे उनके उसमें और उससे पिला रही है। उससे मैंने पूछा तुम क्यों उसको पिला रही हो दूध इसमें, अति बस ठीक है। मैंने कहा पागल, तुमको तुम्हारा दूध था? हाँ, अब तो नहीं याद रहा। मैंने कहाँ से आएगा जब तू नहीं पिला रही हो तो, और ये देखो ये इतनी गंदगी, ये मक्खियाँ भिनक रही हैं, तो तुम्हारा बच्चा तो बीमार हो जाएगा। तो शिकायत करती मेरा बच्चा ठीक नहीं है, पेट का दर्द है, उसको दस्त हो जाते हैं। तो ये रीज़न, तो ये जो बुनियादी उसूल है सफाई के, और ये कि आप जब तक 2-2.5 साल, कुरान में कहा गया है कि बच्चे को दूध पिलाओ, 2-2.5 साल दूध पिलाओ, जब तक ये आप नहीं करोगे तो आपकी सेहत जो है बाकी और बच्चे की वो नहीं सही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंटरवेंशंस की आप बात कर रहे हो, कम है बहुत, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो प्राइवेट पार्टीज हों या कोई ऐसी चीज़ें हों, उसमें इंटरवेंशन कम है, बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखा कि लेडी हेल्थ विजिटर्स को पोलियो की इस पर लगा दिया गया मुहिम पे, वही औरतें काम करती हैं। हमने ये भी देखा
कि उनको तनख्वाहें जो हैं 6,000 रुपया आप महीना देते हो, उसका कहाँ से गुजारा होता होगा। तो ये तमाम चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। वो बेचारी जाके हड़तालों पे बैठ जाती हैं, उनको फिर वाटर कैनन से भगा दिया जाता है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आई थिंक वी हैव टू रिव्यू दिस होल थिंग, और ये जो कॉन्सेप्ट है लेडी हेल्थ विजिटर्स का, उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग्स देना पड़ेगी, और उनको फिर माशरे में हमें उनकी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी कि जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, ये औरतें औरतों की जिंदगियों के लिए और बच्चे के लिए वो तहफ़ फराहम करें, बहुत ज़रूरी है। हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मुल्क का, खासा कमज़ोर नज़र आता है। प्राइवेट सेक्टर ऑफकोर्स अपनी कैपेसिटी में बेहतरी कर रहा है, मगर वो उसके हिसाब से चार्ज भी करता है। आपके नज़दीक जब हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप करते हैं, जब उन्हें मुश्तरका तौर पर साथ काम करते हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात कहते हैं कि जब बहुत दूर तक जाना चाहते हो तो साथ जाओ, अकेले तन्हा रह जाओगे। तो जब ये दोनों तबके या दोनों शोबे कह लें, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके का अलग हैं, सरकार अलग जहनीत से काम करती है, अलग सोच से काम करती है, प्राइवेट सेक्टर अलग तरीके से काम करता है, जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो किस तरह से इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम कर सकता है आपके नज़दीक? वो क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पे पार्टनरशिप की जा सकती है, जहाँ पे थोड़ा सा पॉलिसी में ट्वीकिंग की जा सकती है, थोड़ा सा और यू नो सरबराही आ जाए कि ख़वातीन की सेहत मजीद बेहतर कर सके? देखिए, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। पहले सिर्फ हुकूमत होती थी, एनजीओ का कोई तस्वुर नहीं था, हुकूमत 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 काम कर रही है, आबादी इतनी बढ़ी हुई नहीं थी, छोटे छोटे इलाके होते थे, डॉक्टर्स बहुत हमदर्द होते थे, इतने आपको कभी कोई टेस्ट नहीं लिख के देता था, आप जाते थे नब्स पकड़ी डॉक्टर ने, एक मिक्सचर, हमें पता है बचपन में हमें एक मिक्सचर मिलता था कड़वा सा, जो मैं बीमार होती तो अब्बा 3 घंटे खड़े रहते थे, बेटा पी लो, मैं नहीं पी सकती। कहने का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ बहुत तब्दीलियाँ आई, और उसके साथ ही आपकी पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटरीच का भी बड़ा फर्क पड़ता है। उसमें फिर हमने ये देखा कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मुख्तलिफ फील्ड्स में आ गई, हेल्थ में भी आ गई, बहुत सारी चीज़ों में आ गई, ख़वातीन के अवेयरनेस के लिए आ गई, बच्चों के लिए आ गई, बहुत सारी आ गई, और हुकूमत को उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की। उनका दायरा कार इतना वसी नहीं है, उनके रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, उनके पास वसाइल इतने नहीं हैं कि वो हर आदमी तक हर जगह पहुंच सकें। तो उसमें फिर हुकूमत जो है उनकी होने का फ़ायदा यूँ उठाती है कि उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, उनके पास लोग होते हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं, बाज़ औक़ात ट्रेनिंग दे सकते हैं उनके अपने अमले को, लोगों तक उनका आउटरीच हो जाती है। जो प्राइवेट चीज़ है उसके लिए इजाज़त और आउटरीच चाहिए, और अगर हुकूमत उसके साथ है तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि उनको उनकी सपोर्ट हासिल होती है। अगर हेल्थ सेक्टर में उनको मना कर दिया जाए, उनके पास सब कुछ हो, वैक्सीन भी आ जाए आज अगर, और वो नहीं, लेकिन अगर हुकूमत नहीं इजाज़त देती वो नहीं कर सकते। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक यानी हुकूमती शोबे और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कोई एनजीओज हो सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल दोनों का कोलैबोरेशन, मिल के अगर जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। लोगों को पता चलता है कि अच्छा, इनको अगर हुकूमत सपोर्ट कर रही है इसका मतलब जेन्युइन है, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब हम इनके पास जा सकते हैं। तो ये जो बात है वो आउटरीच की है, और आप कहीं चले जाएं, अगर आपको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, आपके पास कमिश्नर भी आ जाएगा, आपके पास और लोग भी आ जाएंगे, आपको हेल्प करने वाले भी आ जाएंगे, और आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। लिहाजा इस वक्त में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि वक्त के साथ साथ हम इन तमाम चीज़ों को अपने साथ लेके आगे बढ़ें और लोगों तक पहुंचने की बात करें। ये अगला सवाल आपसे ये होगा कि ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग का जो सोशल फ्रेंचाइजिंग का मॉडल है, उसमें ग्रीन स्टार के 7,000 सब सितारा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सिंध में भी बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, जगह जगह सब सितारा के क्लिनिक्स मौजूद हैं। आपके नज़दीक इनका रोल किस तरह से सेल्फ केयर, तौलीदी सेहत, मेंस्ट्रुअल हाइजीन,
छाती के सरतान के हवाले से, और जाहिर है क्योंकि माँ बच्चे की सेहत उसमें आई जाती है, इन तमाम एरियाज को फोकस करते हुए किस तरह से इनके रोल को मजीद एक्सपैंड किया जा सकता है ताकि इन एरियाज पर मजीद काम कर सकें, इन्हें मजीद मजबूत कर सकें। देखिए ग्रीन स्टार 30 साल से काम कर रहा है और सब सितारा सबसे ज़्यादा मकबूल एक सिंबल या अलामत है वो समझी जाती है। अब अगर वो उसमें से तौलीदी सेहत और माँ और बच्चे की सेहत के अलावा वो अपने सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले कर रहा है जिसमें अवेयरनेस हो जाती है, इसमें HIV एड्स आ जाता है, इसमें न्यूट्रिशन आ जाती है, वो ये डिपेंड करता है कि उनको किन किन चीज़ों में लीवरेज है, वो कौन कौन सी मालूमात वो दे सकते हैं, वो नौजवानों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं और हुकूमत भी उनके साथ हैं तो फिर बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि वो फिर वो ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाते हैं और ग्रास रूट तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब उन्होंने ग्रीन स्टार ने खुद फैसला किया कि ठीक है मार्केटिंग अपनी जगह है, चीज़ें हमें मार्केट करनी है और जिसको लेना है वो लेंगे, उनके साथ ये तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक माशरा आपसे चाहता है कि आप और भी कोई जिम्मेदारी उठा लें और आप वो वॉलंटरली करना चाह रहे हैं, तो जब आप खुद से खुद करना चाह रहे हैं और हुकूमत से आप ये सिर्फ चाहते हैं कि जी हमारे लिए रास्ता खोल दीजिए, हम आपके साथ साथ चलते हैं, तो देखिए फिर सोने पे सुहागा हो जाता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, हुकूमत आपकी इन तमाम सर्विसेज को रिकग्नाइज कर रही है, आपकी एक्सपर्टीज का इतराफ कर रही है और फिर आपके साथ वो चलने को तैयार है और जो भी पॉलिसी मेकिंग है उसको उसमें आपको हिस्सा बना रही है। तो ये तमाम चीज़ जो है वो माशरे में एक बड़ी मस्बत तब्दीली लेके आती है और आप जो है उसका फ़ायदा किसको, यानी आप उसको तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा पहुँचेगा क्योंकि जहाँ वो नहीं पहुँच रही थी आप पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको ये पहुँचेगा कि जहाँ रास्ते बंद थे दरवाजे बंद थे वो आपके लिए खुल रहे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बिल्कुल ग्रास रूट पे एक बेचारी बेबस औरत, एक बेचारा नौजवान जिसको कुछ नहीं मालूम, एक शर्माई लजाई हुई बच्ची जिसको आप फ़ोन की सर्विस मुहैया कर रहे हो पूछो के नाम से, कि वो फ़ोन पर आपसे नाम भी ना बताए, आइडेंटिफाई भी नहीं करे खुद को, शनाख्त भी ना बताए, अपना मसला बताए, तो जब आप ये तमाम दरवाजे आप खोल देते हैं तो एक बहुत बड़ी एक सर्विस है, बहुत बड़ी खिदमत है जो आप अपनी तंजीम के हवाले से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहिबा, और जैसे इन्होंने कहा और जिस तरह से मैंने शुरू भी किया था कि खवातीन की सेहत जाहिर है बुनियादी हक है और सेहत सबके लिए बुनियादी है, ना सिर्फ ख्वातीन, ना सिर्फ मर्द, ना सिर्फ बच्चे, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक बुनियादी हक है और वो सिर्फ तब मिल सकता है जब उसके हवाले से आवाज़ उठाई जाए और उस आवाज़ में हमारा साथ बनती है मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहिबा और इनकी जैसी बहुत सारी ख्वातीन, ग्रीन स्टार की पूरी टीम, ग्रीन स्टार की तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स इस विजन में, इस मिशन में साथ हैं और हमेशा रहेंगी भी। मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और आपके साथ मुझे इस इंटरव्यू में बातचीत करके जो सीखने का मौका मिला बड़ा मुझे मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ आया। एंड थैंक यू सो मच, आप जो काम कर रही हैं वो करती रहिए। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एक दुआ करते हैं कि अल्लाह मियां आपको आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए सबके लिए, तो मैं भी वही कहूँगी। एंड आप क्योंकि ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग की फैमिली का हिस्सा हैं तो इसमें ऑफकोर्स हमारे लिए एक ऑनर की बात तो है ही है और हम आपके साथ इसमें इस्टैब्लिश में आपका हिस्सा भी बनते हैं और आपके काफ़ी शुक्रगुजार भी हैं इस चीज़ के कि आप अपना काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया आप इधर आए और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप जैसी बच्चियाँ, जवान और जवान लड़कियाँ जब ये काम करती हैं तो आप पूरे माशरे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप सबको बता रही हैं कि हम इसमें हैं। तो जब आप जैसी बाशूर लड़कियाँ होंगी और आप जैसा स्टाफ होगा तो जिस तरह से मैंने देखा है हमको काम करते हुए, तो उम्मीद बहुत बनती है कि आइंदा इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, रोशन होगा और पायदार होना चाहिए। आपकी तमाम काविशें, मेहनतें रंग लानी चाहिए इंशाल्लाह। सो ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के तमाम सोशल मीडिया चैनल से अब हमें दीजिए इजाज़त। मैं हूँ ईमन हारून, अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक मुतहरिक गेस्ट के साथ
जो कि हमें बताएंगी कि पाकिस्तान के माशरे में खवातीन की सेहत पे क्या काम हो रहा है और मजीद कितनी फलाही गुंजाइश है। इन तमाम सब्जेक्ट्स पर मजीद बातचीत जारी रखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।